मैं बालों के साथ बताता हूँ, हेमंत सोरेन का एक भी बाल हो गया तो पूरा झारखंड जलाने का कार्य हेमंत सोरेन का पूरा टीम करने को तैयार है। कहीं ऐसा तो दबाव नहीं है कि ईडी की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो नीतीश कुमार जैसा एक्शन ले लें और एनडीए में? ना, संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? एक बार कम से कम एक दिन में नहीं हो रहा है, अगर बैठक एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, अगर पूछताछ एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पा रही है तो दो दिन बैठ जाए, क्या समस्या है? आप समन पे समन लेकर के समय बर्बाद कर रहे हैं। 30 तारीख को आते उसका लिए है ना व्यवस्था। आज एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के रूप में यहाँ मौजूद है और कितने हेमंत सोरेन को पकड़ेंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे, सब आए यहाँ पर राजमोराबादी के मैदान में। टोटल हेमंत सोरेन खड़ा आकर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा ले। कोई उचित नहीं था कि एक अपराधी के तरह दिल्ली के आवास हो, झारखंड भवन हो, एयरपोर्ट हो, सीएम साहब को खोजा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित ठिकानों पर ईडी के पहुंच के बाद न जाने झारखंड के राजनीतिक माहौल में जो कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं है। उस स्याह सच्चाई को देखने के लिए पहले आपको मोराबादी मैदान के इस अद्भुत नज़ारे को देखना होगा, जहां इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों हजार कार्यकर्ता इस वक्त उस मंच पर चढ़े हैं जहाँ 26 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर आते जाते रहते हैं। इस वक्त गढ़वा से और न जाने कितने ही अलग अलग जिलों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? दिल्ली पहुंचे, वहां पहुंच गए ईडी लोग, क्या कहेंगे? अगर मुख्यमंत्री में अगर किसी प्रकार दाग है तो वो गिरफ्तार कर, डर क्यों रहा है? ईडी तो डर रहा है, लोकप्रियता का देखते हुए डर रहा है। कितना जनसंख्या देख लीजिए आप। अगर मुख्यमंत्री कोई दागी होता इतना लोग उनके पीछे समर्थन में नहीं आते। जब जब ईडी के समर्थन उनके उतरे हुए हैं वो डरे हुए हैं, वो सिर्फ डर हुए कि एक आदिवासी का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, इसके तो डर हुआ है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, वो जान रही है कि अगर इस तरह का इनको डरवाएंगे तो मुझे चुनाव में हासिल होगा। अगर नहीं डरते हैं तो एक भी सीट लोकसभा में इनको मिलने वाला नहीं है। ऐसा तो दबाव नहीं है कि ईडी की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो नीतीश कुमार जैसा एक्शन ले लें और एनडीए में? संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए जानबूझ के तो हेमंत भाजपा वही चाह रहा है, केंद्र सरकार वही चाह रहा है कि जिस तरह से नीतीश पलटू है लेकिन उसी तरह झारखंड में भी हो जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो है ईमानदार है, संघर्षशील है, युवा है और कुछ भी हो जाएगा लेकिन अपने ईमान के साथ समझौता दाल गलने वाला नहीं है। देखिए हेमंत है तो हिम्मत का नारा तो भले ही झारखंड में लगता है, पर फिलहाल जब ईडी दिल्ली दरबार में पहुंची है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरबार पर, तब क्या स्थिति है इसका भी आकलन हो जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कई लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश सिंह हुआ जी, बिस्तरी जिला उपाध्यक्ष गढ़वा जी। तो गढ़वा से ही बताएं रहुआ कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे जो ईडी का शिकंजा है उस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन छोड़ना तो नहीं पड़ेगा? आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा के एजेंट के रूप में ईडी, सीबीआई और जितने भी संवैधानिक संस्था है ये अपना लगा के जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वैसे जगहों पर इन्होंने अपना दबाव बना के एक चुनी हुई सरकार को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम किया है इन्होंने। और 29 से 31 जनवरी के बीच में जब समन का समय था तो आज कोई औचित्य नहीं था कि एक अपराधी के तरह दिल्ली के आवास हो, झारखंड भवन हो, एयरपोर्ट हो, सीएम साहब को खोजा जा रहा है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। ये भाजपा का जहां जहां सरकार नहीं है, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन जी हो, तेजस्वी जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, वैसे सारे नेताओं को आज सृजन घोटाला के नाम पे नीतीश कुमार को दबा के आज वहाँ पर इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम किया उन्होंने। बीजेपी का आरोप है कि भाई क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? एक बार कम से कम एक दिन में नहीं हो रहा है, अगर बैठक एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, अगर पूछताछ एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पा रही है तो दो दिन बैठ जाए, क्या समस्या है? आप समन पे समन लेकर के समय बर्बाद कर रहे हैं। 30 तारीख को आते उसका लिए है ना व्यवस्था। भाजपा में सब दूध के धूले हैं क्या? आज अजीत पवार चले गए तो उनका सारा सिस्टम खत्म हो गया, कितना हजार करोड़ का घोटाला का, आज उन पर कोई ईडी सीबीआई नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में देखिए आपको क्या हुआ, महाराष्ट्र का आप गोवा में देखिए, जहाँ जहाँ पर सरकार इन्होंने नहीं बना पाए वहाँ पर सरकार को इन्होंने लूट लिया। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराने का काम किया पिछला बार, अभी बिहार में सरकार इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, झारखंड में भी लगे हुए, लेकिन झारखंड में हम लोग झारखंड लड़के लिए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नाम है मेरा, हमारा, हम लोगों का, और हम लोग लड़ना जानते हैं।
कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लड़ना जानते हैं। कार्यकर्ता आज हम लोग कार्यकर्ता में अनुभव नहीं कर रहे हैं, आज एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के रूप में यहाँ मौजूद है। और कितने हेमंत सोरेन को पकड़ेंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे, सब आए यहाँ पर राजमोहराबादी के मैदान में। टोटल हेमंत सोरेन खड़ा आकर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा ले। और मैं आग्रह करूंगा आपके सोशल चैनल मीडिया से कि ईडी से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के भाजपा का भी टीम बनकर काम न करें, प्रत्यक्ष रूप से आप हम लोग को काम करने दे। जिस तरह से विगत 4 सालों से हेमंत सिंह का कार्य रहा है, सभी लोगों को पता है कि इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं रहे। और आज यह बात पच में रहा कि एक आदिवासी मूलवासी लड़का कितना बड़ा नेतृत्व कर सकता है। हेमंत सोरेन ने साबित किया है कि आदिवासी का बच्चा भी नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व करने वाले ही को जनता ने चुना है, 3 करोड़ जनता ने चुना है। उस 3 करोड़ का सम्मान का बात है कि हेमंत सोरेन जी को शेर की तरह हम लोग देख रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ हेमंत सोरेन का एक भी बाल हो गया तो पूरा झारखंड जलाने का कार्य हेमंत सोरेन का पूरा टीम करने को तैयार है। एक बात बताइए, क्या ऐसी वजह हो सकती है कि इनको परेशान किया जा रहा है? देखिए, लोकसभा का चुनाव है? लोकसभा चुनाव हो रहा है और ये राम मंदिर बना के भी संतुष्ट नहीं है। अब राम मंदिर जैसे धर्म को भी उन्होंने मुद्दा बनाया। अब इनको लगता है कि सारे लोग या तो बीजेपी में विलय कर जाए, या तो ईडी के माध्यम से सीबीआई के माध्यम से जेल चले जाए, या तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लग जाए। खेला हो सकता है क्या झारखंड में? अगर होगा तो आप लोग तैयार होंगे? बड़ा खेला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वो खेला जब करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग खेला करके बैठल रहते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के झरोखों से हमने दिखाने की पुरजोर कोशिश की है कि इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अंदर कितना गुस्सा है, कितना रोष है। फिलहाल तस्वीर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मोराबादी मैदान में एकमुश्त होकर उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर बनती है इसको लेकर शाम तक का इंतजार करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शाम के बाद तस्वीरें साफ होंगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला एक्शन क्या होगा और उनके बाद उनके कैबिनेट के मंत्री और विधायकों का एक्शन क्या होगा। आप इस वक्त देख रहे हैं द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक, शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।